सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भारतीय दार्शनिक सिद्धांत में चित एवं अचित तत्व क्या है उसको जानेंगे। तो परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा ध्यान से सुने। रामानुज के दर्शन में चित और अचित ये दो तत्व ईश्वर के दो अंश हैं, जो ब्रह्म की कार्यावस्था में अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रकट होते हैं। इस तरह जीवात्मा ईश्वर के चित अंश का व्यक्त रूप है, अतः जीवात्मा ईश्वर पर आश्रित है, किंतु ईश्वर जीवात्मा पर आश्रित नहीं है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वह नित्य है। सृष्टि के पूर्व वह ईश्वर में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। सृष्टि की रचना होने पर सक्रिय अवस्था में आ जाती है। रामानुज शंकर के समान आत्मा को एक नहीं कहते, उनके अनुसार आत्मा अनंत है। आत्मा का बंधन कर्म है, कर्म के फलस्वरूप ही आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। शंकर के अतिरिक्त अन्य सभी आचार्यों ने जीव को अड़रूप कहा है। रामानुज कहते हैं कि अड़रूप होते हुए भी आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग को चैतन्य युक्त करती है। जैसे कि एक दीपक पूरी कोठरी को प्रकाशमान करता है, शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा शरीर मन इंद्री प्राण आदि से पृथक है। जीव नित्य है, जबकि शरीर अनित्य है। हाँ, इसे लक्ष्य तक पहुँचाने में वह सहायक अवश्य होता है। जीवात्मा के धर्म दो होते हैं, स्वाभाविक धर्म सांसारिक धर्म। जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म ज्ञान है, इसीलिए वह विशुद्ध ज्ञाता है। यह नित्य चैतन्य द्रव्य है, ज्ञान इसका गुण है। सांसारिक धर्म का कर्ता और भोक्ता होना है, उसमें ये धर्म शरीर के कारण आते हैं। ईश्वर की कृपा से जब उसके सांसारिक धर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह केवल ज्ञान स्वरूप में अवस्थित रहता है। रामानुज कहते हैं कि मूलतः आत्मा आनंद स्वरूप है। शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, दोनों में अभेद संबंध है, किंतु रामानुज के अनुसार ऐसा नहीं है। दोनों पूर्णतः एक नहीं हो सकते। जीवात्मा और ब्रह्म अर्थात ईश्वर में अभेद के साथ भेद संबंध भी है। रामानुज कहते हैं कि जहाँ तक चेतना की बात है, ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही चेतन द्रव्य हैं। इस दृष्टि से दोनों में अभेद है, किंतु दोनों की चेतना में अंतर है।
ईश्वर सर्वज्ञ है, जबकि जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त भी दोनों में अनेक दृष्टि से भेद है। जैसे ईश्वर विभु व्यापक है, जबकि जीव अणु है। ईश्वर पूर्ण है, जबकि जीवात्मा उसका एक क्षुद्र अंश मात्र है। अतः दोनों में पूर्ण तादात्म्य हो ही नहीं सकता। अचित तत्व रामानुज के विशिष्टाद्वैत दर्शन में चित तत्व आत्मा और अचित तत्व जड़ तत्व है। दोनों ही ईश्वर के विशेषण अथवा अंग हैं। एक और चित तत्व से समस्त जीवात्माएं निकलती हैं, वही अचित तत्व से जड़ जगत उत्पन्न होता है। इस तरह अचित तत्व जगत की उत्पत्ति का कारण है। रामानुज सत्कार्यवाद के समर्थक हैं। उनके अनुसार जगत अव्यक्त रूप में अपने कारण ईश्वर में छिपा रहता है और इसी से उद्भूत होता है। इस तरह जगत ब्रह्म का परिणाम है, उसके अचित अंश का वैसे ही जैसे दूध का परिणाम दही होता है। यह सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। इस तरह ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। रामानुज शंकर द्वारा जगत को मिथ्या घोषित करने की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार जब ईश्वर सत्य है तब उसका कार्य जगत भी सत्य होगा। रामानुज ईश्वर के अचित अंश के तीन भेद बतलाते हैं, शुद्ध तत्व, मिश्र सत्व, सत्व शून्य। शुद्ध तत्व केवल सत्वगुण से युक्त होता है, यह एक तरह से जड़ तत्व है। मुक्त आत्माएं इसी से बनती हैं। मिश्र सत्व या सत्वगुण, तमोगुण तथा रजोगुण से युक्त प्रकृति है। सत्व शून्य यह काल है। थोड़ा सा देखते हैं चार्वाक का आत्मविचार क्या है। चार्वाक शरीर से पृथक भिन्न नित्य अमर आत्मा के अस्तित्व का खंडन करता है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में आत्मा का निषेध नहीं हुआ है, बल्कि आत्मा के भौतिक स्वरूप एवं उसके दिव्य गुणों का ही निषेध किया गया है। इस दर्शन में चेतन शरीर को ही आत्मा कहा गया है। चार्वाक के अनुसार समस्त जड़ जगत चार तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु के संयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। जब ये चार प्रकार के जड़ तत्व एक निश्चित मात्रा व निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो चेतना का गुण उत्पन्न हो जाता है। चार्वाक का विचार है कि जब तक शरीर में इन चार प्रकार के जड़ तत्वों की निश्चित मात्रा तथा निश्चित अनुपात बना रहता है, तभी तक शरीर में चेतना का गुण भी बना रहता है। किंतु जैसे ही
निश्चित मात्रा तथा निश्चित अनुपात नहीं रहता, शरीर अचेतन अर्थात मृत्यु हो जाती है। इसलिए चार्वाक कहता है कि इस चेतन शरीर के अतिरिक्त नित्य आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि यह चेतन शरीर ही आत्मा है। क्योंकि शरीर के विनाश के साथ ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है, अतः पुनर्जन्म, कर्म, नियम इत्यादि अवधारणाएं निराधार सिद्ध होती हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि चार्वाक चेतना को शरीर का आगंतुक लक्षण मानते हैं, परंतु आलोचकों का मत है कि चेतना शरीर का आगंतुक लक्षण नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र एवं नित्य तत्व है। जड़ तत्वों से चेतना की उत्पत्ति को स्वीकार करने का मतलब है अभाव से भाव की उत्पत्ति। तात्पर्य यह है कि जड़ तत्व से चेतना की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में गुणात्मक भेद है। अब यदि चार्वाक के इस मत को स्वीकार किया जाए कि चेतना जीवित शरीर का गुण है, तो ऐसी स्थिति में उसे हमेशा शरीर के साथ रहना चाहिए। लेकिन हमें ज्ञात है कि मूर्छा, बेहोशी आदि की स्थिति में शरीर अचेतन हो जाता है। इसी प्रकार स्वप्नावस्था में चेतना तो होती है, परंतु हमें अपने शरीर का भान नहीं रहता। जो यह सिद्ध करता है कि चेतना और शरीर दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। चार्वाक का यह मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जड़ तत्वों में निहित स्वभाव के कारण जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि निमित्त कारण के बिना जड़ तत्व से अपने आप जड़ जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। चार्वाक अपने आत्मविचार में प्रत्यक्ष सीमा का अतिक्रमण करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष न होने के कारण वह नित्य आत्मा के नहीं होने का अनुमान कर लेता है, जो चार्वाक की ज्ञान मानसा के विपरीत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।